मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि हारने से न डरें। चीजों को भाग्य पर छोड़ने में विश्वास नहीं करता। मैं कड़ी मेहनत और तैयारी में विश्वास करता हूं। उद्योगपति रतन नवल टाटा के जीवन और तरक्की का यही सूत्र था। आजीवन इन्हीं सिद्धांतों पर चले और अपने साथ टाटा ग्रुप को भी इतनी ऊंचाइयों पर ले गए जहां तक पहुंचने के लिए हर उद्योगपति सपना देखता है। बुद्धि और जीभ और हृदय ऑल तीन एक ही था। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या हृदय में है, वो सब हाथ में है। उनका दिल बहुत बड़ा था, उनका रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था। वो ट्रू टाटा थे। न सिर्फ उद्योग जगत बल्कि भारत के लोगों के दिलों पर राज करने वाले रतन नवल टाटा को दुनिया ने नम आंखों से विदाई दे दी। अब विरासत की बागडोर सौतेले भाई नोएल टाटा के हाथों में आ गई है। 165 अरब डॉलर के ट्रस्ट की कमान संभालने के लिए 67 साल के नोएल टाटा को निर्विरोध टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष चुन लिया गया। रतन टाटा ने सभी 13 ट्रस्टों का कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। पहली नजर में उनके छोटे भाई जिमी टाटा इसके दावेदार नजर आ रहे थे, लेकिन सौतेले भाई नोएल टाटा के नाम के ऐलान के बाद लोगों के मन में विरासत की गुत्थी को समझने की दिलचस्पी बढ़ गई। दरअसल रतन टाटा ने शादी नहीं की थी, इसलिए उनकी कोई संतान नहीं है। छोटे भाई जिमी टाटा भी अविवाहित हैं। इस लिहाज से सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर नोएल टाटा का नाम था। टाटा ट्रस्ट की कमान उसी को मिलती है जिसके पास लीडरशिप होती है। नोएल टाटा 13 ट्रस्टों में से सबसे मजबूत सर दोराबाजी और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। इन दोनों ट्रस्टी की करीबन 66% हिस्सेदारी टाटा संस में है, इसलिए लिहाजा सभी उत्तराधिकारियों में ये संभावित थे। टाटा ट्रस्ट विशाल टाटा साम्राज्य को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा संस में बड़ी हिस्सेदारी है जो समूह के संचालन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए नोएल टाटा को चेयरमैन की कुर्सी दी गई। जिमी टाटा, एक तो तबीयत उनकी बहुत खराब है एंड ही वाज नेवर एक्टिव इन द बिजनेस। ये जो इनकी जो बिजनेस में होते थे, वैसे देखा जाए तो जेआरडी के भी भाई थे। वो पूरी जिंदगी भर जेआरडी के जो भाई थे वो कभी बिजनेस में नहीं आए। जो टाटा ग्रुप है उसके लिए जो टाटा ट्रस्ट है
सर दोराबजी ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट, ये दोनों ट्रस्ट बहुत ही अहम हैं। हालांकि फिलेंथ्रॉफिक काम देखते हैं, लेकिन जो कंपनियां हैं उनके लिए जो टाटा सन्स है उसके ऊपर जो व्यक्ति इसका चेयरमैन होता है उसी का कंट्रोल होता है। तो तमाम सारी जो कंपनियां हैं वो इनडायरेक्टली कंट्रोल होती हैं इनके जरिए। तो इसका मतलब जब रॉयल टाटा का अपॉइंटमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो रतन टाटा की तरह जो मुख्य रूप से जो एक नियंत्रण है उनके हाथ में पूरे ग्रुप का आ जाएगा, तो ये इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। नोएल टाटा को चेयरमैन बनाने की एक और बड़ी वजह है, रतन टाटा के पिता नवल टाटा ने दो शादियां की थी। नवल टाटा की पहली पत्नी सुनी टाटा से रतन टाटा और जिम्मी टाटा पैदा हुए, जबकि दूसरी पत्नी सिमोन से नोएल टाटा का जन्म हुआ। रतन टाटा और नोएल टाटा के पिता एक हैं, सिर्फ माँ अलग हैं। नोएल टाटा की दावेदारी मजबूत होने की ये भी एक बड़ी वजह थी। सवाल यह है कि क्या नोएल टाटा इतनी बड़ी विरासत को अपने सौतेले भाई रतन नवल टाटा की तरह संभाल पाएंगे? क्या वो उन्हीं के अंदाज में कारोबार संभालने के साथ साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल पर राज कर पाएंगे? नोएल टाटा पर कई पीढ़ियों की लीगेसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, जिसकी शुरुआत नुसरवान जी ने गुजरात के नौसारी से की थी। नुसरवान जी टाटा एक पारसी पुजारी थे और बिजनेस में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति। नुसरवान जी टाटा के बेटे जमशेद जी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। नौसारी में किस्मत नहीं चमकी तो मुंबई चले गए। जमशेद जी टाटा ने 1868 में एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर टाटा ग्रुप की नींव रखी थी। सिर्फ 29 साल की उम्र में 21,000 रुपए के निवेश के साथ कंपनी की शुरुआत की थी। इसके बाद टाटा ग्रुप ने शिपिंग का भी काम किया और 1869 के आते आते टेक्सटाइल के बिजनेस में उतर गए। जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे का नाम दोराब जी टाटा था। जमशेद जी के निधन के बाद टाटा ग्रुप की कमान दोराब जी ने संभाली थी और टाटा स्टील और टाटा पावर जैसी कंपनियों को स्थापित करने और उन्हें आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। दोराब जी के छोटे भाई जमशेद जी के छोटे बेटे रतन जी टाटा थे। रतन जी टाटा ने कपास और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को एक अलग पहचान दी थी। जेआरडी टाटा रतन जी टाटा के बेटे थे। वे भारत के पहले कमर्शियल पायलट बने। जेआरडी टाटा 50 साल से ज्यादा समय तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। जेआरडी टाटा ने ही एयरलाइंस की स्थापना की थी, बाद में इसे एयर इंडिया का नाम दिया गया। जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप को मल्टीनेशनल कंपनी बनाने का काम किया। जेआरडी टाटा के बाद बागडोर दत्तक पुत्र को मिली। रतन जी टाटा के दत्तक पुत्र थे नवल टाटा। इन्होंने भी टाटा ग्रुप को एक अलग पहचान दिलाई। नवल टाटा के घर 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ। फिर भाई जिम्मी टाटा और 1957 में सौतेली माँ से नोएल टाटा फैमिली के सदस्य बने। रतन टाटा जमशेद जी टाटा के परपोते थे। 1991 से लेके 2012 तक वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं। अक्टूबर 2016 से 2 फरवरी 2017 तक वो ग्रुप के अंतरिम चेयरमैन रहे। उसके बाद 2017 के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की कमान संभाली। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाया था। उन्होंने एयर इंडिया को खरीदा, जिसे जेआरडी टाटा ने शुरू किया था, लेकिन आजादी के बाद ये सरकारी हो गई थी। फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने में रतन टाटा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। 2008 में रतन टाटा को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला था। इससे पहले साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब इस विरासत को आगे ले जाने के लिए नोएल टाटा ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, वैसे तो टाटा ग्रुप अब प्रोफेशनली मैनेज ग्रुप है, पर यह भी सच है कि टाटा फैमिली से शुरू हुआ। टाटा फैमिली ने उसको, उसके फाउंडर्स हैं, तो टाटा नाम बहुत जरूरी था। और हम ये भी जानते हैं कि टाटा साहब की जो फैमिली है वो बहुत स्कैटर्ड है, सौतेले भाई हैं। तो नोएल टाटा पीछे रतन टाटा साहब और नोएल टाटा के रिश्तों की बहुत अच्छी बात कभी नहीं भी सुनाई देती थी, क्योंकि सौतेले भाई थे, अपनी अपनी राइट्स को लेके
नोएल टाटा साहब अपनी राइट्स को लेके बहुत कई बार स्ट्रगल और चैलेंज भी देखा गया है, पर नोएल टाटा साहब का रुतबा एक अलग टाटा फैमिली के बिजनेसमैन के रूप में तो देखा गया है, पर हम रतन टाटा जी की शख्सियत से उनके कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आने वाला समय बताएगा कि नोएल टाटा इस टाटा ग्रुप को कहां लेके जाते हैं। नोएल टाटा अपने सादा जीवन के साथ मजबूत लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। अगस्त 2010 से नवंबर 2021 तक उन्होंने टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया। 1998 में ट्रेंट लिमिटेड को एक स्टोर से 700 से ज्यादा स्टोर तक बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। 2003 में नोएल टाटा ने नई जिम्मेदारियां संभाली जब उन्हें वोल्टास और टाइटन इंडस्ट्रीज का निदेशक बनाया गया। वेस्ट साइड, स्टार बाजार और जूडियो जैसे ब्रांड को लीड करने में उन्हें महारत हासिल है। नोएल टाटा 2018 में टाइटन कंपनी के उपाध्यक्ष बने, 2019 में सर रतन टाटा ट्रस्ट में शामिल हुए। इसके बाद मार्च 2022 में टाटा स्टील के उपाध्यक्ष बनाए गए। रिपोर्ट्स की माने तो 2011 में नोएल टाटा के बहनोई साइरस मिस्त्री को रतन टाटा का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में विवाद होने पर उन्हें 2016 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और रतन टाटा ने फरवरी 2017 तक 4 महीने के लिए अस्थायी रूप से ये पद संभाला। बीच में जब एक वक्त साइरस मिस्त्री को लाया गया था और उनके उत्तराधिकारी के रूप में, क्योंकि जो फैमिली है पलोंजी मिस्त्री फैमिली, वो उसका बड़ा हिस्सेदारी है टाटा की कंपनियों में जो है। सो ये एक पूरा फैमिली उस तरीके से साथ में ये लोग चलते रहे, और इसीलिए साइरस को लाया गया था कि वो एक यंग है, डायनेमिक है। लेकिन जो रतन टाटा जिस तरीके से पूरे टाटा ग्रुप को देखना चाहते थे आगे बढ़ते हुए, उस पर वो खरे नहीं उतरे, और वो थोड़ा एक बिटर एक्सपीरियंस था जिसमें साइरस मिस्त्री को हटाया गया और फिर से कंट्रोल इनके पास आया। बीच में कुछ बिजनेस डिफरेंसेस आए थे कुछ वर्ष पहले, नोएल टाटा जब टाटा सन्स में थे उन्होंने वहां से उनको छोड़ा भी था, उनको वहां से निकाला भी गया था, पर रतन टाटा साहब की शख्सियत और एक अंग्रेजी में शब्द होता है मैग्नानिमस, उनका हृदय इतना बड़ा था कि उन्होंने नोएल टाटा साहब की सभी गलतियों को भुलाकर, आपस के जो डिफरेंसेस मतभेद थे उनको दरकिनार कर फिर से नोएल टाटा साहब को, जैसा कि मैंने कहा कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में नोएल टाटा साहब इन्वॉल्व हैं, टाटा एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, इस प्रकार की कंपनीज में फिर से नोएल टाटा साहब और रतन टाटा साहब के रिलेशन ठीक हो गए थे। नोएल टाटा शांत और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। टाटा ट्रस्ट की शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलती हैं। सामाजिक सेवा के लिए प्रतिबद्धता टाटा समूह की प्रतिष्ठा को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाती है। नोएल टाटा को भी इसे बनाए रखना होगा। तो कंपनियां चलाने वाले लोग अलग हैं, उनकी जिम्मेदारी तो डिफाइन की गई है, तो टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी इनके पास रहेगी। फिलान्थ्रोपी का काम है वो दान धर्म का होगा या चैरिटी का होगा, एजुकेशन के बारे में होगा, सोशल इनिशिएटिव्स होंगे, ये बहुत सारे टाटा ने ले लिए हैं। तो उनको बढ़ाना, उनको ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से और व्यापक करना, मजबूत करना, यही काम रहेगा उनका। रतन टाटा साहब ने जो मापदंड था वो बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंचा दिया था, उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ऐसी पहचान दी कि 100 से ज़्यादा देशों में टाटा ग्रुप ऑपरेट करता है, 10 लाख से ज़्यादा लोग टाटा ग्रुप में काम करते हैं, $2.5 billion मात्र टाटा ग्रुप की टर्नओवर थी जिस समय रतन टाटा साहब आए थे, और $100 billion से भी ऊपर उन्होंने पहुँचा दिया। 145 करोड़ के भारत में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने टाटा ग्रुप का कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई ब्रांड इस्तेमाल ना किया हो। तो मुझे लग रहा है जब इस मकाम पर एक ग्रुप आ जाता है और उसका जब नया उत्तराधिकारी आता है तो उसके कंधे पर उस रेपुटेशन को दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक तो उस रेपुटेशन को मेंटेन करने की, दूसरा उस रेपुटेशन को और आगे ले जाने की। तो ये नोएल टाटा साहब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हम ये ना भूलें कि टाटा कॉन्ग्लोमरेट आज एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। नोएल ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई में की, इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स से स्नातक की डिग्री ली, बाद में इन सीट से इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पूरा किया। नोएल का खास जोर बिजनेस मैनेजमेंट और ग्लोबल ट्रेड प्रोसेस पर रहा है। टाटा सन्स के सबसे बड़े शेयर धारक रहे पल्लोंजे मिस्त्री की बेटी आलू मिस्त्री नोएल की धर्मपत्नी है।
इस तरह नोएल टाटा करीब 4 दशकों से टाटा समूह से जुड़े हुए हैं। ऐसे में रतन टाटा की तरह नोएल टाटा से भी कामयाबी की उम्मीदें बढ़ जाती हैं।